प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 50वीं स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। पीएम मोदी ने सीआईएसएफ के सलामी गरद का निरीक्षण किया। उस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सीआईएसएफ की भूमिका देश की सुरक्षा में काफी अहम है। उन्होंने कहा कि जब दुश्मन देश पर सीधा युद्ध करने की स्थिति में नहीं होता तो वह देश के अंदर आतंकी वारदातों को बढ़ा देता है। ऐसे में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाली सीआईएसएफ की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने में सीआईएसएफ का महत्वपूर्ण हाथ है। पीएम मोदी ने कहा कि 50 साल तक लगातार हजारों लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित किया है, तब जाकर ऐसा संगठन बनता है। एक संगठन को सुरक्षा देना जहां 30 लाख लोग आते हों, जहां हर चेहरा अलग हो, सबका व्यवहार अलग हो, ये काम किसी वीआईपी को सुरक्षा देने से कई गुना बड़ा काम है। पीएम मोदी गाजियाबाद के इंदिरापुरम में सीआईएसएफ के 5वें बटालियन कैंप में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बता दें कि पीएम मोदी भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से आयोजन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले कैंप के परिसर में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और सीआईएसएफ की सलामी गारद का निरीक्षण किया और उन्होंने वहां सीआईएसएफ के कर्मियों को संबोधित भी किया। अधिकारियों ने बताया कि बल अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है और यह विशेष अवसर है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें शामिल होने की स्वीकृति दे दी है। देश और विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाबकेसरी.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।